हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैं अपना घर चेंज कर रहा हूँ, मेरा मतलब मैं पहले कहीं और रह रहा था, आज मैंने अपना रूम देखा यहाँ पे। मैं बेसिकली आया था पर्थ और यहाँ पे इतना बच्चा आ गया है कि आपकी एकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। ट्रांसपोर्ट कार वगैरह लेते थे पहले आके जैसे स्टूडेंट रेंट के लिए, वो भी बहुत मुश्किल है मिलना क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली ज़्यादा कर दी है, और जो उसका पहले पहले जिस रेट पे मिलती थी उससे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट, ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये अब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई हैं पहले के मुकाबले। और जॉब भी जो है ना, जॉब्स भी बहुत शॉर्ट हो गई हैं क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा आ गया है। और अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है वर्क की, तो उस वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ा है स्टूडेंट्स पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। तो आज की ये वीडियो है मेरी घर चेंज करने पे। आज मैं अपना घर चेंज कर रहा हूँ और वो यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर, खैर कार ले ली थी मैंने, आपके पास अगर ट्रांसपोर्ट हो तो उसका कोई इशू नहीं रहता है। मैंने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया, बस ये सामान है, इसको अब कुछ देर में निकलते हैं, बस फिर वहाँ पहुँच के फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई मैं निकल रहा हूँ, अब सामान अपना उठा लिया हमने और आज है हमारा हाउस शिफ्टिंग। वो ये लिया मैंने कार, कैट्स रखते हैं सामान इसमें। चले मैं सामान शिफ्ट कर लूँ, वहाँ पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई सामान शामान फाइनल पैक हो चुका है, गाड़ी इस वक्त सामान से फुल हो गई है, और तो चलें भाई अपना सफ़र शुरू करते हैं, वहाँ पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे। 20 मिनट्स लेटर। तो भाई हम पहुँच चुके हैं, अब ये है घर। मैं बासित भाई के साथ रूम लिया शेयरिंग में, तो ये लोकेशन भी अच्छी है बराबर। ये है भाई हमारा घर। तो भाई फाइनली सामान शामान शिफ्ट कर लिया और थक गया हूँ इस वक्त मैं, अब चीज़ों को अरेंज करना है मैंने और छोटे मोटे और काम है, चलें ये फाइनलाइज करके फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो भाई फाइनली सामान मैंने अपना सेटल कर लिया सारा और इस वक्त थक गया हूँ, 10 बज गए हैं, और जो भी अब आना चाह रहा है मैं तो उसे ये कहूँगा कि अपना आगे का सब कुछ सोच के आए, क्योंकि इधर आके बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो बंदा अपना सर्चिंग वगैरह करके, मैं आगे जा रहा हूँ वहाँ पे क्या चीज़ें मेरे लिए अवेल होंगी। ऑस्ट्रेलिया बहुत से बच्चे एड्स पास करते हैं, एड्स पास करके फिर उनको ये होता है कि हम कौन से सिटी दें। मोस्टली ज़्यादातर बच्चे वहाँ जाते हैं ना, उनका कोई जानने वाला होता है और वो बेहतर रहता है कि वो आपको ले लेता है। और शुरू के हफ्ता 10 दिन अपने पास रख लेता है, वो आपका आसानी से गुजर जाता है टाइम, वरना मुश्किल रहती है वो टाइम जो है ना, वो बहुत मुश्किल से गुजरता है। गुजर तो वक्त सारा ही जाता है, बंदे ने अकेले ही जाना, लेकिन यह है थोड़ा सा बंदे को आसरा हो जाता। बाकी सर्चिंग करनी चाहिए आने से पहले ना, काफ़ी आइडिया हो जाता है कि बहरहाल आजकल तो बहुत स्टूडेंट आ गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी डाउन हुई हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम सब सही हो जाएगा। चलिए मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि व्लॉग बनाया करूँ, लेकिन रूटीन बहुत बहुत ज़्यादा बिजी होती है, तो दिन गुजर जाता है पूरा पता नहीं लगता। इंशाल्लाह फिर बनाएंगे ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।